की भूपेश सरकार एक ओर बस्तर में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर कोंडागांव जिले में रोजाना बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं और पुरुष नाबालिग बच्चों सहित दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के पास भी मजदूरों के पलायन की कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में बात करने पर जिला पंचायत CEO DN कश्यप ने बताया कि जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत बहुत काम है, लेकिन कोई पलायन कर रहा है तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वहीं पलायन रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग सहित चाइल्ड केयर की टीम ने बनिया गांव के पास आदिवासी समुदाय की महिलाएं, पुरुष और बच्चों को रोककर पूछताछ की। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन पलायन रोकने क्या ठोस कदम उठाता है। कुछ मजदूर ऐसा है जिनका इतिहास रहा है कि वो बोर गाड़ी में काम करने के लिए आंध्र या तेलंगाना साइड हर साल जाते हैं, ऐसी मुझे सूचना है। तो उनको हो सकता है उनको ज़्यादा वहाँ पे मजदूरी मिलता होगा, इसलिए जाते होंगे। वैसे काम हर गांव में हमारे पास काम पर्याप्त मात्रा में शुरू है।